नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर पंजाब से है, जहां सुखबीर बादल पर जलालाबाद में हुए हमले को लेकर कांग्रेस शायद जायज ठहराना चाहती है। सियासी पार्टियों में आपसी में तो ऐसा होता ही रहता है, ऊपर से ये पंजाब है, पंजाब में ऐसा खड़का धड़का तो चलता ही रहता है। जलालाबाद में सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर ऐसा कहना है गुरदासपुर के हल्का कादिया के कांग्रेस MLA फतेह जंग बाजवा का। नगर काउंसिलिंग कादिया के चुनाव को लेकर फतेह जंग बाजवा कांग्रेस के उम्मीदवारों के कागज़ नामजद करवाने तहसील कादिया पहुंचे हुए थे। वहीं रिटर्निंग अफसर के द्वारा कांग्रेस के उम्मीदवारों के कागज़ तो नामजद कर लिए गए, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवारों को समय ज़्यादा हो जाने के कारण बताकर कल आने को कहा गया। नहीं, साजिश कादी होती है, पोलिटिकल लोगों का माड़ा मोटा तो चलता ही होता है। तो पंजाब है जी, पंजाब दे विच कोई खड़का धड़का तो पोलिटिकल लैवल तो हो सकता, पर मेरा नहीं ख्याल इस लैवल तक किसी नूं जाना चाहिए। मैनू इस खबर का पता नहीं, पर मैनू भी इत्थे पता लगा है इस खबर बारे, और मैं समझना मंदभागी है। ये एक जिहड़ा इलैक्शन का रोल है, जिहड़ा इलैक्टोरल वोटा पैंदियां ने, ये तो उस बंदे नूं इह तां खुल दिली नाल पैणियां चाहीदियां, ते कदी किसी नूं ना डकना। सरकारां आंदियां जांदियां रहिंदियां जी, अज कांग्रेस की सरकार है, कल के होर भी हो सकती है। सो असी समझने भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन होनी चाहिए, और किसी नूं भी किसी नाल कोई धक्का करन दा ना इत्थे कीता जाऊगा, और असी बड़ा फेयर इलेक्शन करा। मेरा फर्ज बनता है, मेरा हक बनता है, मैं हर कैंडीडेट के नाल डोर टू डोर जाके कन्वेंसिंग करांगा और अपनी पार्टी लिए अपने कीते हुए काम। वहीं शिरोमणि अकाली दल के जत्थेबंधक सचिव गुर इकबाल महाल और SGPD सदस्य गुरिंदर पाल सिंह गौरा का कहना था कि अकाली दल के उम्मीदवारों के कागज जमा करवाने के लिए तहसील कादिया में 2 बजे पहुंच गए थे और उनको बिना वजह ही इंतजार करवाया गया, और बाद में समय बीत जाने का कहकर उनके कागज जमा नहीं किए गए और कल आने का समय दे दिया गया है। उनका कहना था कि उनके उम्मीदवारों को अपने नाम वापस लेने के लिए भी धमकाया जा रहा है। देखो जी, अं अज ते सामने तो हम टाइम नोट किया, 2 बजे फाइलें लैके आ गए ही, तो अंदर जान बुझ के कादियां MLA अपने बंदे लैके बह रहा, तो 1 घंटा बजे तक टाइम ओवर नहीं हो गया, वह बह रहा हूँ फाइलों के उत्ते टाइम पैना ही, 3 बजे तो उत्तर टाइम हो गया ही। इलैक्शन कमीशन की हिदायत है भी 11 तो लैके तो 3 बजे तक फाइलें जमा करवाई, देख करके जो अज फाइलें दिने तो वो तो इन्होंने जान बुझ के लेट कीतियां ने, बच्चे RO भी उन्होंने नाल दबा थले है, तो इस करके अं अज नहीं करवाइया, हूँ अं कल फाइलें जमा कराएगा श्रोमणी अकाली दल, वो वास्ते अं सारा शहर इकट्ठा करेंगे, अं 11 बजे पूरा अपने शहर नाल लैके आवेंगे भी क्यों नहीं फाइलें जमा हो रही साड़ियाँ। अज तो अं सिर्फ आए भी रूटीन च फाइलें जमा कराने, पर सू जान बुझ के इन्होंने अच्छे MLA आ के 1.5-2 घंटे बह रहा, तो फाइलें नहीं जमा होने दी। देखो जी, वो तो शरेआम मुंडिया फोन धमकियां आ रही ने गैर नंबर तो भी तुम जो कागज भरे तो तुम आह कर देना, तुम आज जानों मार देना, शरेआम धमकियां दे रहे हैं जी। मैं अही समूह अकाली दल के जो साड़ी कैंडीडेट आ, मैं तो गुरकबाल सिंह माल, सरदार जरनैल सिंह माल उरी साढ़े सत्कारयोग, अं आए हाँ, आ के जो अं पहुंचे इतने 2 बजे, तो जी पुलिस प्रशासन जी उन्हें कहा दूजे धड़े वाले जे कांग्रेस वाले वो अंदर बैठे आ, तो तुम रुक जाओ, तुहाडे कागज लै ले जाएंगे। 15-20 मिनटा बाद मुड़ के सू मिलाया भी गया अंदर खड़ के, तो उन्होंने भी कहा कि कोई गल नहीं, मैं तो कागज रिटर्निंग अफसर साहब ने कहा लै लाँगा। अं दोबारा जदों 3:10 से इस हल्के MLA साहब के नाल उन्होंने बाकी जड़े इतों के कैंडीडेट तो बाहर के लोग जोड़े शामिल हैं, उन्होंने वापस गए हैं, फिर अं दोबारा जाके मिले हाँ। पर सू गल कही गई है जे तुम हूँ कागज दें दो, मैं तो लै लाँगा, पर ताड़े लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्योंकि मैं टाइम होंदा पाउणा। वहीं रिटर्निंग अफसर कादिया नायाब तहसीलदार अमरजीत सिंह का कहना था कि उनके पास अभी तक 27 उम्मीदवारों के कागज जमा हो चुके हैं और ज्यादा समय हो जाने के कारण शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवारों को कल का समय दे दिया गया। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। टोटल 27 नॉमिनेशन जो पेपर है वो मेरे को जमा हुए। हाँ जी, लगभग कांग्रेस पार्टी जी सी उन्होंने कैंडिडेट आए। अकाली दल के कैंडिडेट उन्होंने कहना कि 2 बजे आ चुके थे, पर सानू अंदर बुलाया नहीं गया जान बुझ के, तो सानू हुण साडे फाइल नहीं ले गए। नहीं, बिल्कुल गलत है जी, मेरे को कोई नहीं अंदर आया, जे आया होंगे तो मैं कभी इग्नोर नहीं करता। नहीं, कंपलैक्स नहीं, मेरे कंपलैक्स के अंदर तो बाहर तो कोई भी हो सकता, मेरे को अंदर लैके फाइल कोई नहीं आया। मेरे को जो फाइल लैके आए, मैं उन्होंने रूटीन जी जो भी नॉमीनेशन लाए
और वह बाद मेरे को आए थ भी असं भी आए हैं तुम ले लो, पर टाइम 3 बजे बज चुका है। मैं उन्होंने कल का टाइम दिता भी कल तुम 11 बजे जो आ जाओ उस टाइम कट कर ले जाएंगे।